देश भर में कोरोना के एक दिन में 5,609 नए केस सामने आए। मरीजों की तादाद 1,12,359 तक पहुंची। देश में कोरोना से 24 घंटे में 132 मरीजों की जान गई और अब तक 3,435 लोगों की जान गई है। देश भर में टोटल एक्टिव केस हो गए हैं 63,624, 45,299 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के 26,15,920 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 केस सामने आए हैं और मरीजों की तादाद हो गई है 39,297। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 65 मरीजों की जान गई है और अब तक 1,390 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में एक दिन में फिर 1,372 मरीज सामने आए हैं। संक्रमित केस हो गए हैं 23,935 और अब तक 841 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में गवर्नर ने जून जुलाई में कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। उद्धव सरकार से कंटेनमेंट जोन में खास रणनीति बनाने को कहा है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 534 केस सामने आए हैं और मरीजों की संख्या हो गई है 11,088। दिल्ली में कोरोना से अब तक 176 लोगों की जान गई है। राजधानी में 5,720 लोग एक्टिव केस हैं अभी। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है और निर्माण भवन को सैनिटाइज के लिए बंद किया गया है। गुजरात में कोरोना के 398 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 12,539। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की जान गई है और अब तक 749 लोगों ने दम तोड़ा है। सिर्फ अहमदाबाद में एक दिन में 271 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 9,216 संक्रमित हैं। अब तक 602 लोगों ने दम तोड़ा है। यूपी में 24 घंटे में 249 नए कोरोना के केस मिले हैं। 5,175 लोग संक्रमित हैं और अब तक 123 कोरोना मरीजों की जान गई है। यूपी में 3,066 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं और राज्य में 1,981 एक्टिव केस हैं। यूपी के बाराबंकी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, एक दिन में 95 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और जिले में अब तक 122 कोरोना के मरीज हैं। संक्रमण बढ़ने के बाद बाराबंकी की सीमाएं सील की गई हैं। शहर और गांव में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। लखनऊ के KGMU में जांच में कोरोना के 26 नए केस सामने आए और बुधवार को 827 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं और मरीजों की संख्या हो गई है 293। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 81 एक्टिव केस हैं और जिले में अब तक 5 मरीजों की मौत हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और जिले में अब तक 40 इन्फेक्टेड लोग हैं। मध्य प्रदेश में 270 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में 5,735 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। राजस्थान में कोरोना के 83 नए केस मिले हैं और टोटल केस हो गए हैं 6,098 और अब तक 150 लोगों ने जान गंवाई है। बिहार में कोरोना से अब तक 10 लोगों की जान गई है। खगड़िया में 50 साल के एक प्रवासी मजदूर ने दम तोड़ा है। बिहार में 96 और लोग संक्रमित हुए हैं। 1,675 अब को टोटल केसेस हो गए हैं। बिहार में 788 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दिल्ली से लौटे लोगों में सबसे ज्यादा 249 संक्रमित हैं। महाराष्ट्र से लौटने वाले 187 प्रवासियों में कोरोना का संक्रमण मिला है। गुजरात से बिहार गए 158 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड में भी 24 घंटे में 41 नए कोरोना के केसेस आए हैं और राज्य में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हो गई है 290। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की जान गई है। एक दिन में 142 नए केस आए हैं। पंजाब में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं और 2,005 मामले अभी वहां पर मौजूद हैं। 1,749 लोग ठीक हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 29 नए केस मिले हैं और राज्य में कोरोना से 993 लोग संक्रमित हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 9 नए मामले सामने हैं और राज्य में मरीजों की संख्या हो गई है 120। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 104 तक पहुंच गई है और 49 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नए केस मिले हैं और राज्य में 115 लोग अब इस वायरस के चपेट में हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं और अब तक 2,452 लोग इससे संक्रमित हैं। 54 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में एक दिन में 743 नए केस मिले हैं और 13,191 पीड़ित हैं। तेलंगाना में 27 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और अब तक 1,661 लोग इससे संक्रमित हैं। केरल में कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं, इसमें 666 लोग तक पीड़ित हैं। कर्नाटक के शिमोगा में एक क्वारंटीन सेंटर में स्थानीय लोगों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध किया। नाराज लोगों को पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, बेकाबू होने के बाद लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कर्नाटक के शिमोगा में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर PM केयर्स फंड के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर किया हमला, मोदी सरकार पर शायरी के जरिए तंज कसा। छात्रों के स्कूलों में ही होंगे CBSE के बाकी बचे बोर्ड के एग्जाम। जुलाई के आखिरी हफ्ते तक जारी किए जाएंगे नतीजे। 25 मई से शुरू होने वाले घरेलू विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है और पैसेंजर्स के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा।
पैसेंजर्स को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी। यात्रियों को पर्सनल गाड़ी या फिर वैध टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करने की सलाह दी गई है और यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचे 145 भारतीय कोरोना के चलते पिछले 2 महीने से लंदन में फंसे हुए थे। दुबई से कोचीन एयरपोर्ट पहुंची स्पेशल फ्लाइट, दुबई में फंसे थे भारतीय। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से नई दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट, लॉकडाउन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फंसे थे 224 भारतीय। बिहार में बुधवार को 1,14,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे, 70 ट्रेनें पहुंची बिहार। 22 मई से कर्नाटक में चलेंगी इंटरस्टेट ट्रेन, सीएम की मांग पर रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। चंडीगढ़ में आम लोगों के लिए फिर से शुरू की गई है बस सर्विस, एक समय पर बस में 15 से ज्यादा सवारी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कम्युनिटी फंड ऑनलाइन ट्रांसफर, 31,938 स्वयं सहायता समूह को 218.49 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिला कार्यालय में रिलीज की गई कंटेनमेंट जोन की लिस्ट, जिले को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिले में 63 जोन है। कालिंदी कुंज के दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा भारी जाम, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी भारी जाम, लॉकडाउन में ढील के बाद से सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ी है। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में पुलिस की सख्ती, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदी। दिल्ली के लोधी गार्डन में फिर दिखी लोगों की भीड़, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग पहुंचे। असम के चाय बागानों में फिर शुरू हुआ काम, सरकारी गाइडलाइंस के तहत बरती जा रही है पूरी सावधानी। जम्मू कश्मीर में खुली शराब की दुकानें, जम्मू में शराब की दुकानों के बाहर दिखी लंबी कतार। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में लेवलिंग के दौरान मिले मंदिर के अवशेष, प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और खंडित स्तंभ भी मिले। गर्भगृह के पास जेसीबी से खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं, प्राचीन कुआं, मंदिर के चौकट और पाषाण खंभे भी मिले हैं। खुदाई में मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के खंभे समेत कई सारी चीजें मिली हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में खुदाई का काम जारी है, जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर और मजदूरों की टीम लेवलिंग का काम कर रही है। 11 मई से राम जन्मभूमि परिसर में लेवलिंग का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा, मलबा हटाने के दौरान ये अवशेष मिले हैं। यूपी के एएसआई के पूर्व निदेशक के मोहम्मद का दावा, 8वीं और 9वीं या फिर 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, बोले खंभे पर विष्णु भगवान की मूर्ति से पहचान हो रही है। मंदिर के सबूत मिलने पर अयोध्या के सभी साधु संतों में उत्साह, कहा खुदाई में मिले अवशेष श्री राम के विराजमान होने के सबूत हैं। अयोध्या में अवशेष मिलने पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, कहा सच को दबा सकते हैं मगर बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी का ऑनलाइन प्रदर्शन, फेसबुक लाइव के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका का अभियान, 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को योगी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालने के लिए कहा। यूपी में बस सियासत जारी, प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर मजदूरों का दमन करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा मजदूरों की मदद करने वालों को जेल में डाल रही है योगी सरकार, फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है, 4 किश्तों में 5,700 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। किसानों के खाते में बघेल सरकार पैसे डालेगी, प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। रबी की खेती करने वाले 19 लाख किसानों को फायदा होगा। सीएम भूपेश बघेल ने योजना को लॉन्च किया है। बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, दिनेश गुंडूराव, डीके शिवकुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नमन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान का कोहराम, कई इलाकों में दिखा तबाही का मंजर। तूफान के टकराते वक्त 190 किलोमीटर की रफ्तार से चली थी हवाएं, बड़ी संख्या में पेड़, खंभे उखड़े, कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में भारी तबाही, राज्य में तूफान से 12 लोगों की जान गई है, 6,000 से ज्यादा मकान को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तूफान से 5,500 घरों को नुकसान हुआ है, 2 लोगों की जान गई है। कोलकाता में 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में भारी बारिश भी हुई है। तूफान से कोलकाता एयरपोर्ट पर जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई फीट तक पानी में डूबा है कलकत्ता एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं। एयरपोर्ट में तूफान से कई शेड भी टूटे, कुछ हिस्से भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए, एयरपोर्ट की कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तूफान के कहर के बीच कोलकाता में दिखा भयानक मंजर, बिजली के तारों के टकराने से चिंगारियां उठी। कोलकाता में भी तूफान ने मचाई भारी तबाही, सड़क पर कई जगह पेड़ गिरे नजर आए और पेड़ों के नीचे कई बस भी दबे दिखे। अम्फान तूफान से नुकसान पर बोली सीएम ममता बनर्जी, तूफान की तबाही कोरोना की तबाही से ज्यादा है।
ओडिशा में सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़, 102 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। तेज हवाएं और बारिश के बाद ओडिशा के बालासोर में पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है जिंदगी। सब्जी की दुकानों पर लोग नजर आए। ओडिशा के बालासोर जिले में तूफान के बाद राहत और बचाव का काम भी जारी, प्रशासन की टीमें जुटी हैं। अम्फान के गुजरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ के चीफ SN प्रधान का बयान, फनी तूफान के तर्ज पर ही आगे का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी गिरफ्तार हुए, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश जख्मी हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। अनुराग शर्मा के समर्थकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। रामपुर में शिवसेना नेता के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ा, ना तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया।